नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित शर्मा और आप इस समय विजिट कर रहे हैं बर्बरिक कोचिंग पे। तो आज हम दोस्तों कुछ हिमाचल प्रदेश के ज़रूरी सवालों को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, आपके लिए दोस्तों एक ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया गया है जिसे आप अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी की पूरी डिटेल दी गई है। इसमें जो आपके सब्जेक्ट्स कवर्ड रहेंगे या हर एक चीज़ रिकॉर्डेड लेक्चर्स PDF एंड ऑल, हर एक चीज़ आप दिए गए नंबर पर पता कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों कुछ सवालों की, और इन सवालों को दोस्तों मैं आपसे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, और मैं सिर्फ आपको इसके उत्तर बताऊँगा और कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत। देखिए, पहला सवाल आपको पूछा जा रहा है कि बिनवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। जानने की बात यह है कि ये जो बिनवा नदी है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है। तो बिनवा नदी जो दोस्तों ट्रिब्यूटरी है ये है ब्यास रिवर की, क्योंकि देखो हमेशा आपको सवाल यही पूछा जाता है कि कौन किसकी ट्रिब्यूटरी है। तो ब्यास रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है वो दोस्तों बिनवा नदी। ऑप्शंस पूछा गया है कि कहाँ से ये निकलती है, कीरग्राम की पहाड़ियों से, संधोल से, बालू से या आनंदपुर साहिब से। तो इसका जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 1, कीरग्राम की पहाड़ियों से। देखो अब यहाँ पर सवाल को थोड़ा घुमाया गया। अब यहाँ पर ऐसे कीरग्राम ना आता तो अगर बैजनाथ आता तो शायद आप करते, क्योंकि अगर आपने पढ़ा होता। परंतु देखो यहाँ पे दिक्कत क्या है कि इधर बैजनाथ का पुराना नाम दे दिया गया है कीरग्राम, और ये दोस्तों संधोल के पास जो है मंडी में आकर मिलती है। बिनवा नदी बैजनाथ से निकलेगी और संधोल में आकर मिलेगी। अगला सवाल, हिमाचल में प्राचीन कालीन राज्यों के बीच युद्ध में किस शस्त्र का प्रयोग किया जाता था। तलवार का, भाले का, तीर कमान का, इनमें से सभी का। कई बार सवाल दोस्तों इतने आसान पूछे जाते हैं कि हमें अंदाजा नहीं होता। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी का। आगे चलिए, प्रदेश के किस स्थान पर पत्थर का खेल नामक सुप्रसिद्ध मेला लगता है। तो दोस्तों ऑप्शंस आपके सामने दी रखी हैं, किन्नौर, हलोग, लाहौल या कांगड़ा। दोस्तों ये लगता है हलोग, शिमला में। याद रखना कहाँ पर लगता है दोस्तों, हलोग शिमला में जो है ये पत्थर का खेल मेला लगता है। आगे चलिए, प्रदेश में किस स्थान पर अमरबेल सुखान एवं छंटाई केंद्र की स्थापना की गई है। ये दोस्तों तस्वीर में देख सकते हैं, ये आपके सामने अमरबेल है ना। इसकी सुखाने के लिए और छंटाई केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है। ऑप्शन है कोटगढ़ में, कांगड़ा में, नाहन में या जहलमान में। अब कोटगढ़ भी नाम सुना हुआ लगता है जी, कांगड़ा भी, नाहन भी। अब नाम जो नहीं सुना हुआ लगता है वो लगता है जहलमान। और मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं कि हाँ यार कोटगढ़ तो हमने पढ़ा नहीं है, हम जहलमान कर देते हैं। तो वो सही जाएंगे, क्योंकि जहलमान जो जगह पड़ती है दोस्तों, ये जगह पड़ती है लाहौल स्पीति में, और यहीं पर जो है अमरबेल सुखान एवं छंटाई केंद्र की स्थापना की गई है। अगला सवाल दोस्तों, पूर्व काल में पहले के समय में जो पहाड़ी भाषा थी है ना, उसकी लिपि लिखी जाती थी, वो किस भाषा में, उसकी लिपि कौन सी थी। ऑप्शन है टांकरी लिपि, द्रविड़, देवनागरी या ब्राह्मी। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 1, टांकरी लिपि। और ये सवाल दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर किया कीजिए, शेयर ज़रूर किया कीजिए, और चैनल पर अपने दोस्तों से सब्सक्राइब ज़रूर करवाइए। इसी तरह से दोस्तों हम आपके लिए सवाल लाते रहेंगे, और अगर आपको ज़्यादा कुछ चीज़ें चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और दोस्तों ऑनलाइन कोर्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ एलाइड और चीज़ों के लिए ही है, कंडक्टर, क्लेरिकल, हर एक चीज़ के लिए दोस्तों ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, आप पता कर सकते हैं। और दोस्तों आपका इस वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।